सालों की हर औरत को वरदान देता हूँ कि वो 200 सालों तक जीवित रहेगी। और अगर आप लोगों ने किसी से शादी की तो तुम्हारी आधी उम्र उस इंसान को लग जाएगी और वो 100 सालों तक जवान रहेगा। घाटीपुर में रहने वाली औरतों ने उस साधु महाराज का एक ऐसा काम कर दिया था जिसे सब असंभव मान रहे थे, और उस काम के बदले साधु महाराज ने वहाँ की औरतों को एक ऐसा वरदान दे दिया था जो कुछ समय बाद ही उनके लिए अभिशाप बनता जा रहा था। आखिर ऐसा क्या काम किया था घाटीपुर की महिलाओं ने कि साधु महाराज ने खुश होकर उन्हें ऐसा वरदान दे दिया जो उनके लिए अभिशाप का कारण बन गया? 5 दिन पहले जो इस गांव में हुआ, ना ही वैसा कुछ किसी ने पहले देखा था और ना ही सुना था। कुछ लोग इसे वरदान का नाम दे रहे थे तो कुछ अभिशाप का, और इसी अभिशाप से बचने के लिए अम्बा अपनी बेटी मीरा को लेकर गांव के ऐसे इलाके में रहने लगी जहां किसी को उनकी खबर ना लगे। बेटी के बड़े होने तक वो इस झूठ के साथ जीती रही कि वो दोनों माँ बेटी किसी और गांव के थे और घाटीपुर बस रहने के लिए ही आए थे। लेकिन आखिर अम्बा ऐसा क्यों कर रही थी? उसे ऐसा क्या डर था कि वो मीरा को उसके अपने ही लोगों से दूर कर रही थी? दरअसल पिछले 1.5 साल से यहाँ रह रहे साधु महाराज ने तप करके पता लगाया कि घाटीपुर की मिट्टी में ही कुछ ऐसी बात थी कि वो किसी भी जादू टोने को तोड़ सकती थी। लेकिन ऐसा क्या रहस्य था इस मिट्टी का जो आज तक सबसे छिपा हुआ था? रहस्य था उस मिट्टी में उगने वाली हल्दी, जिसे कोई भी तंत्र टूट सकता था। लेकिन आज तक घाटीपुर में कभी किसी ने हल्दी नहीं उगाई थी। कारण था आसपास में रहने वाले वत्सल बाबा का डर। उनका डर जायज था। अगर वो हल्दी उगा देते तो वहां आसपास रह रहे बाबा गांव के लोगों को चैन से नहीं जीने देते। साधु महाराज परेशान हो गए थे कि आखिर वो घाटीपुर में हल्दी कैसे उगाएंगे। तब गांव की महिलाएं आगे आई और उन्होंने चुपके अपने घरों में हल्दी उगाई और साधु महाराज को दी। ये देख साधु महाराज खुश हो गए। उन्होंने तुरंत एक तंत्र क्रिया की जिससे उन्होंने 100 सालों से चला आ रहा एक ऐसा श्राप अपने गांव से हटाया जिसे करना असंभव था। इसके बाद खुश होकर उन्होंने वहां की औरतों को लंबी उम्र का वरदान दे दिया। उस गांव को श्राप था कि अगर कोई बाहर का इंसान घाटीपुर में कदम रखेगा तो वो वहां के लोगों के लिए तोहफे में सिर्फ मनहूसियत ही लाएगा। और गांव की औरतों की मदद से साधु महाराज ये श्राप तोड़ने में सफल रहे। खुश होकर उन्होंने गांव की हर औरत को वरदान दिया। वरदान देते ही साधु महाराज गांव से चले गए और देखते ही देखते ये खबर आसपास के गांव में फैल गई। इसके बाद गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसका सबको डर था। गांव में अपहरण होने लगे। लड़कों ने घाटीपुर की लड़कियों से जबरदस्ती शादी करना शुरू कर दिया। प्यार और पैसे का झांसा देकर सब मर्द अपनी उम्र बढ़ाना चाहते थे। यही कारण था कि अम्बा अपनी बेटी मीरा को लेकर उस इलाके से बहुत दूर चली गई और गुमनामी की जिंदगी जीने लगी। मीरा की उम्र के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी बढ़ रही थी। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लंबी चोटी और उसकी हंसी मानो हजारों गुलाब के फूल जैसी। मीरा घर का सारा काम जानती थी और अपनी बूढ़ी माँ की मदद भी करती थी। आसपास के लोगों के जरिए अम्बा के पास मीरा के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन मीरा ने कभी किसी लड़के के लिए हाँ नहीं कहा। अम्मा, मुझे अभी शादी ना करनी है, जब करनी होगी मैं खुद थारे सामने दूल्हा ले आऊंगी। अम्बा ने भी कभी उस पर शादी का दबाव नहीं बनाया। समय बीतता गया और एक दिन जब मीरा नदी में पानी भरने गई तो उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो उसी की तरह मटके में पानी भरने आया था। ये देख के मीरा चौंक गई। उसने कभी किसी मर्द को मटके में पानी ले जाते नहीं देखा था। उसके हिसाब से ये काम तो सिर्फ औरतों का ही होता था। उस दिन के बाद से हर दिन वो लड़का उसी समय पानी भरने आता जिस समय मीरा वहां आती। ए लड़के, तेरा नाम क्या है? एक दिन हिम्मत करके मीरा ने पूछ ही लिया। लड़के ने भी सामने जवाब दिया, मेरा नाम नाम अनुभव है। तू मर्द होकर मटके में पानी क्यों ले जावे हैं? मीरा ने फिर से सवाल किया। मीरा का ये मासूमियत भरा सवाल सुनकर अनुभव हंस पड़ा। क्यों, मटके में पानी ले जाने के लिए क्या मुझे अब लुगाई बनना पड़ेगा? अनुभव ने जवाब दिया। ये सुनकर मीरा हंस पड़ी और दोनों में बातचीत शुरू हो गई।
धीरे धीरे मीरा और अनुभव की अच्छी दोस्ती हो गई। अनुभव अक्सर मीरा से पूछता था, मीरा तू कौन से गांव से आई है, लेकिन मीरा कभी उसे इस सवाल का जवाब नहीं देती थी। वो बस इतना ही कहती थी, मारे को ना पता, मारी माँ मुझे यहाँ लाई थी, और हमेशा बात घुमा देती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे, लेकिन अभी भी मीरा के दिल में हमेशा संकोच बना रहता था। या ये छोरा हमारे लिए गलत तो ना होगा, अगर ये भी बाकी छोरों जैसा उम्र का लालची निकला तो। लेकिन धीरे धीरे दोनों इतने करीब आ गए कि मीरा के दिल में डर की कोई वजह ही नहीं बची। अनुभव ने ना सिर्फ मीरा के दिल में अपने लिए कोना बना दिया था, बल्कि उस कोने में दोस्ती का ऐसा बीज बोया था जो अब धीरे धीरे प्यार में तब्दील होने लगा था। और एक दिन मीरा ने अनुभव को अपना सबसे बड़ा राज बता दिया, जिसे उसकी माँ इतने सालों से छिपाती आ रही थी। मीरा ने पूछा, अनुभव मारे को तुझसे कुछ बात करनी है। अनुभव को लगा हर बार की तरह कोई मामूली सी बात होगी, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मीरा ने जैसे ही अनुभव को अपना राज बताया, अनुभव के होश उड़ गए। अनुभव बोला, तू कह रही है कि तू 200 साल तक जी सकती है। मीरा ने जवाब दिया, हाँ बावला हो गया है कि क्यों बार बार एक ही सवाल करे है। सच बताओ मीरा, तुम्हें आज तक घाटीपुर की किसी औरत से नहीं मिला हूं, बस बातें ही सुनी है। तू कोई भूत तो नहीं है ना, तू मजाक कर रही है ना। अनुभव का सवाल सुनकर मीरा चिढ़कर बोली, मैं कोई भूत वूत ना हूं, लेकिन अब सोचो हूँ काश होती तो तेरा यह बकवास सवाल सुनने से पहले ही तुझे खा जाती। अनुभव ने सक पकाते हुए कहा, मीरा मजाक ना कर। मीरा ने उसे बताया कि किस तरह उसकी माँ उसे बचाते हुए घाटीपुर से दूर ले आई। ये सुनकर अनुभव को मीरा और उसकी माँ के लिए बुरा तो लगा, लेकिन इस बात की खुशी भी हुई कि मीरा ने उसे अपना इतना बड़ा राज बताया। अनुभव और मीरा एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसके लिए मीरा की माँ की मंजूरी भी जरूरी थी। एक दिन मीरा अनुभव को अपने घर ले गई। उसकी माँ ने अनुभव को देखा तो उन्हें अनुभव पसंद आया, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए अनुभव पर विश्वास कर पाना मुश्किल था। तुम्हारी बेटी से उम्र के लालच में तो शादी ना कर रहा है ना, अम्बा ने बिना सोचे तपाक से पूछ ही लिया। अम्बा का ये सवाल मीरा को अच्छा नहीं लगा, वो बीच में ही बोल पड़ी, माँ कैसी बात करे है तू। अनुभव ने मीरा को शांत किया और अम्बा से बोला, अम्मा मैं आपकी बेटी मीरा से बहुत प्यार करता हूँ, और जब इसने मुझे साधु महाराज के वरदान के बारे में बताया तो मैं पहले इससे डर ही गया, मुझे लगा ये वरदान के नाम पर कहीं भूत भूत ना खेले। लेकिन अम्मा मैं आपका डर समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मीरा से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अनुभव की बात सुनकर अम्बा मुस्कुराई और उसने मीरा को अनुभव से शादी करने की रजामंदी दे दी। अम्बा ने अपनी बूढ़ी निगाहों से पता लगा लिया था कि अनुभव बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था। उसे मीरा की खूबसूरती से ज्यादा उसकी मासूमियत पसंद आई, और पंडित को बुलाकर दोनों परिवारों की रजामंदी से उनकी शादी की तारीख तय की गई। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, वैसे वैसे मीरा की खुशी दोगुनी होती जा रही थी, और आखिरकार वो दिन करीब आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, खासकर मीरा और अनुभव को उनकी शादी का दिन। हर तरफ ढोल की आवाज सुनाई दे रही थी। अनुभव की बारात धीरे धीरे मीरा के घर के करीब आ रही थी। बारात की आवाज सुनकर मीरा की दोस्त बोली, ओहो दूल्हे राजा तो बारात लेकर पहुंच गए हैं, मीरा अब तो बस कुछ ही घंटों में तेरा घर भी बदलने वाला है। उसकी दूसरी दोस्त बीच में बोल पड़ी, हाँ अगर पूजा की थाली लेकर नीचे ना गए ना तो इसकी माँ हमारा भी घर बदल देगी, जल्दी चलो आरती के लिए देर ना हो जाए। बारात का स्वागत करने के लिए मीरा की माँ और उसकी सहेलियाँ दरवाजे पर पहुंची, और अपने कमरे में अकेले बैठी मीरा सहेलियों के आने का इंतजार करने लगी। दुल्हन के जोड़े में मीरा वाकई किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। अकेले बैठे बैठे भी उसकी मुस्कुराहट नहीं रुक रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके मुंह और आंखों पे पट्टी बांधी और एक बड़े से बोरे नुमा चादर में उसे बांध कर ले गए। उसे खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ले जा रहे लोगों ने कस के जकड़ा हुआ था।
वो रोती रही, हाथ पैर मारती रही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। रोते रोते वो बेहोश हो गई और जब उसकी आंखें खुली तो वो एक कमरे में बंधी हुई थी जहां उसे सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। सिपाही ने बोला, अरे महाराज, हमने खुद जाकर पता किया है, लड़की घाटीपुर गांव की है, आप इससे शादी कर लो, आपकी उम्र 100 साल बढ़ जाएगी। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये तो खुद शादी के जोड़े में है, इसकी तो पहले से शादी हो रखी है। सिपाही ने सर झुकते हुए कहा, नहीं महाराज, हम इसे शादी से पहले ही उठा कर ले आए, आप चिंता ना करें, इससे शादी करें और हमें इनाम दें। इससे पहले मीरा कुछ समझ पाती वो फिर से बेहोश हो गई। इस बार जब उसे होश आया तो वो एक आलीशान महल के एक बड़े से कमरे में लेटी हुई थी। अचानक उसका हाथ अपने गले में पड़ा तो उस गले में मंगल सूत्र था। घबरा के उसने जब आईने में खुद को देखा तो उसकी मांग में सिंदूर भी था। इससे पहले वो सारी गुत्थी सुलझा पाती कि तभी वहां एक बूढ़ा सा राजा आया। कैसी हो मेरी प्यारी रानी, राजा ने मीरा को देखते हुए कहा। मीरा ने गुस्से से जवाब दिया, प्यारी रानी कौन, मैं? हाँ तुम, बड़ी खुशकिस्मत हो कि राजा वीर सिंह की पत्नी बनने का सौभाग्य तुम्हें मिला, राजा ने मीरा का जवाब देते हुए कहा। राजा की बात सुनते ही मीरा भड़क कर बोली, किसकी पत्नी, कौन हो तुम, मारे को अपनी पत्नी बोलना बंद करो, ये बताओ अनुभव कहाँ है? राजा ने चिल्ला के कहा, आज से इस महल में तुम्हारी जुबान पर बस मेरा ही नाम होना चाहिए, समझी? अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं घाटीपुर के महाराज वीर सिंह। मीरा समझ चुकी थी कि उसके साथ राजा वीर सिंह ने धोखे से शादी कर ली थी ताकि वो अपनी उम्र बढ़ा सके। गुस्से में मीरा चिल्ला कर बोली, राजा तूने धोखे से मारे से ब्याह किया है, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, इसका भुगतान थारे को भुगतना पड़ेगा। अरे गुस्सा क्यों होती हो रानी, इतना गुस्सा इतनी कम उम्र के लिए ठीक नहीं है, मैंने तो बस अपनी उम्र बढ़ाने के लिए तुझसे शादी की और तेरा सौभाग्य देख, तू मेरी उम्र बढ़ाने के साथ साथ इस आलीशान महल की रानी भी बन गई। राजा ने चालाकी से मीरा को फुसलाने की कोशिश की लेकिन मीरा उसकी बातों में ना आई और कहने लगी, ना चाहिए थारी दौलत और तूने मारे से धोखे से शादी की है राजा, तुझे एक औरत की हाय लगेगी, उम्र बढ़ाना चाहे है ना तू, तो खुश हो जा क्योंकि थारा यो महल अब सिर्फ थारी ही उम्र बढ़ते देखेगा, क्योंकि थारे बच्चे अब 20 साल से ज्यादा ना जिएंगे, थारे लिए मरी बद्दुआ है, श्राप है, और उसके बाद तू अकेला अपाहिज होकर इस महल को खंडर होते हुए देखेगा। मीरा की बद्दुआ जैसे ही बूढ़े राजा के कानों में पड़ी वो कांप उठा, घबरा कर वो मीरा के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दे लड़की, लेकिन अपनी बद्दुआ वापस ले ले, मैंने तो बस उम्र के लालच में तुझसे शादी की, मुझे क्या पता था ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, मुझे माफ कर दे, तू जो बोलेगी मैं वो करूंगा, लेकिन अपनी बद्दुआ अपना श्राप वापस ले ले। राजा को यूं गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मीरा बोली, ठीक है तो चावे है मैं मारी बद्दुआ वापस ले लूं तो ले लूंगी, लेकिन उससे पहले थारे को मारा एक काम करना होगा, बोल मंजूर है? राजा ने कहा, हाँ मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। मीरा ने आखिरी बार राजा से पूछते हुए कहा, अच्छा बाद में मुकर ना जाइयो, क्योंकि जो काम मैं थारे को बताने वाली हूँ वो पिछले 100 सालों में कोई ना कर सका। मीरा ने जैसे ही राजा को अपनी शर्त बताई राजा के कान खड़े हो गए, वो घबरा कर जमीन पर गिर गया। ये काम तो मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। देख ले फैसला तेरा होगा, क्योंकि मारा तो जितना बुरा होना था हो चुका, ब्याह किया है ना मुझसे तो अब उम्र के साथ साथ मारी बद्दुआ भी ले ले। सोचने के लिए थारे पास 1 रात का समय है, जितना सोचना है सोच ले, मीरा ने राजा को कहा। राजा ने फिर से सवाल किया, 1 रात? 1 रात तो बहुत कम है। मीरा दुख और गुस्से के साथ बोली, मारी जिंदगी की किस्मत तो तूने 1 रात में पलट दी और खुद के लिए डरे हैं? 1 रात थारे लिए कम पड़ रही है? राजा है तू कुछ भी कर सके है। राजा परेशान होकर वहां से चला गया।
उस पूरी रात उसे न तो भूख प्यास लगी और ना ही उसे नींद आई। मीरा की शर्त थी ही कुछ ऐसी कि अगर वो शर्त ना माने तो उसे बद्दुआ का घूंट पीना पड़ेगा और अगर शर्त मान जाए तो मौत का सामना करना पड़ेगा। अगली सुबह राजा के तेवर बदले हुए थे। उसकी हालत किसी भीगी बिल्ली जैसी हो रखी थी। वो सीधा मीरा के कमरे में गया। उसे देखकर अब तक खामोश बैठी मीरा मुस्कुराई। तो के फैसला किया तूने राजा, शर्त मंजूर है? हाँ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतना कहते ही राजा जोर जोर से रोने लगा, लेकिन मीरा को अब कोई भी आंसू नहीं पिघला सकते थे। तो समय बर्बाद ना करते हुए काम पे लग जा, मीरा के आदेश देते ही राजा उठा और उसने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया और उन्हें काम पे लगा दिया। जाओ और पूरब के जंगलों में छुपे वत्सल बाबा को पकड़ कर लाओ। जैसे ही सबने वत्सल बाबा का नाम सुना, सबके होश उड़ गए। आखिर राजा वत्सल बाबा को पकड़ने का आदेश क्यों दे रहे हैं? लोग मौत से दूर भागते हैं और राजा उसे अपने महल में खुद न्योता आखिर क्यों दे रहे हैं? हिम्मत करके एक सिपाही बोला, वत्सल बाबा, महाराज हम ये काम नहीं कर सकते। उसकी एक फूंक में इतनी ताकत है कि वो हमारे परिवार को खत्म कर सकता है। सिपाही की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया और चिल्ला कर बोला, अगर तुम उसे पकड़ कर नहीं लाए तो मैं एक एक को जान से मार दूंगा। सिपाहियों के पास राजा की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन ऐसा क्या था कि सब वत्सल बाबा से इतना डर रहे थे? पिछले 120 सालों से पूरब के जंगलों के आसपास कोई पंछी भी गलती से नहीं जाता था, क्योंकि वहां की हवा का रुख सारे संसार से अलग चल रहा था। लोगों में सबसे बड़ा डर मौत का होता है, लेकिन पूरब के जंगलों के सामने ये डर भी लोगों को बहुत छोटा लगता था। कोई भी इंसान अपनी जुबान से गलती से भी इस जंगल का नाम नहीं लेता था और इसकी वजह थी बस एक नाम, वत्सल बाबा। जादू टोने की क्रिया में निपुण 150 साल का एक बूढ़ा बाबा, जिसे बूढ़ा समझने की गलती शायद ही कोई बेवकूफ कर सकता था। सिर पर बड़ी बड़ी चटाएं और हाथ में कमंडल लिए वत्सल बाबा जब अपने कदम जमीन पर रखता था तो सूखे पत्ते भी डर कर अपना रास्ता बदल देते थे। माथे पे भभूत लगाए उसकी आंखें अगर किसी परिंदे को भी देख लेती तो उस परिंदे की आने वाली सभी योनियां वहीं नष्ट हो जाती। पिछले कई सालों से वत्सल बाबा पूरब के जंगलों में एक ऐसी क्रिया कर रहा था जिसके बारे में लोग जानते तो थे, लेकिन किसी की हिम्मत उस जंगल के 100 किलोमीटर के आसपास तक आने की नहीं होती थी। उसका डर लोगों के जहन में इस कदर बना हुआ था, उसका नाम लेना तक अब शगुन माना जाने लगा था। वत्सल बाबा कुछ ऐसा कर रहा था जो बड़े से बड़े बाबा को भी हिला कर रख दे। जब से घाटीपुर की औरतों को उम्र का यह अद्भुत वरदान मिला था, तब से वो घाटीपुर की छोटी छोटी लड़कियों को अगवा कर ले जाता और उनसे शादी कर उनकी बलि दे देता। अभी तक उसने करीब 100 से भी अधिक शादियां कर ली थी और सैकड़ों की बलि दे चुका था। जहां सब अपनी उम्र बढ़ाने के लिए शादी कर रहे थे, वहीं वत्सल बाबा अमर होने के लिए शादी कर रहा था। और मीरा ने इसी बाबा को पकड़ने की शर्त राजा वीर सिंह के सामने रखी थी। वो वत्सल बाबा के बारे में बचपन से अपनी माँ से सुनती आ रही थी, जिसके डर से कोई भी अपनी लड़कियों को बाहर नहीं जाने देता था। मीरा उस डर को राजा वीर सिंह के जरिए खत्म कर देना चाहती थी। शर्त को 4 दिन बीतने वाले थे, लेकिन अभी तक सिपाहियों का पता नहीं चला था। राजा के लिए एक एक दिन बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। ना ही उसे अपने सिपाहियों की कोई खबर मिल रही थी और ना ही उस मुसीबत की जिसे वो अपनी चौखट पे न्योता देने चला था। वहीं दूसरी तरफ अनुभव मीरा को लेकर परेशान था। उसके दिमाग में सवाल आया, आखिर मीरा का राज मेरे अलावा और कौन जान सकता है? उसे हर जगह मीरा को ढूंढा, लेकिन मीरा कहीं नहीं मिली। मीरा से आखिर किसकी दुश्मनी हो सकती है? आखिर वो कहां गायब हो गई? इन सारे सवालों में उलझा अनुभव बस मीरा की तलाश में था। जब से मीरा गायब हुई थी, तब से अनुभव ना ही चैन से कहीं बैठा था और ना ही उसने खाने का एक निवाला अपने मुंह में डाला था। वो दिन रात बस मीरा मीरा चिल्लाता,
इधर उधर भागता फिरता था। एक दिन उसने बैठे बैठे सोचा, आखिर मीरा से किसको फायदा मिलेगा। अभी उसने ये सवाल खुद से किया ही था कि उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आया, वत्सल बाबा। सिर्फ वत्सल बाबा ही था जिसे मीरा से कोई फायदा मिल सकता था, लेकिन वत्सल बाबा के आसपास जाना खतरे से खाली नहीं था। अनुभव ने जितनी जानकारी इकट्ठा हो सकती थी इकट्ठा की, क्योंकि मीरा को सही सलामत लाने के लिए उसका सही रहना जरूरी था। एक तरफ थी राजा की सेना जो भारी तादाद में बाबा को ढूंढ रही थी, और दूसरी तरफ था निहत्था अनुभव जो अपनी मीरा को ढूंढने के लिए बाबा से अकेला लड़ने को तैयार था। बहुत जतन करके अनुभव को बाबा का पता चल ही गया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी उसके सामने थी, बाबा को पकड़ने की चुनौती। वो हर बार कोई तरकीब बनाता और हर बार उसके हाथों बस निराशा ही लगती। आखिरकार उसने बाबा को पकड़ने की तरकीब निकाल ही ली। जानकारी से उसे पता चला कि बाबा को बस एक ही चीज उसके चंगुल में ला सकती थी, और वो थी घाटीपुर की हल्दी। अगर किसी शादीशुदा औरत के हाथ की पिसी हुई हल्दी बाबा के हाथ में लग जाए तो बाबा 4 दिन तक सोया रहेगा, और 4 दिन मीरा का पता लगाने के लिए काफी थे। ये वही हल्दी थी जिसे सालों पहले उगाकर घाटीपुर की महिलाओं को साधु ने उम्र का वो अद्भुत वरदान दिया था। आज वही हल्दी मीरा की जान बचा सकती थी, और अनुभव इसके लिए हर जोखिम उठाने को तैयार था। अनुभव ने मीरा की माँ से हल्दी पिसवाई, और सबके मना करने के बावजूद भी वो ये जोखिम उठाने के लिए तैयार था। वो सुबह 3 बजे जंगल पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पूरब के जंगल में पैर रखा, उसे अचानक एक विचित्र सी शक्ति का आभास हुआ। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया हो, जिसके कारण वो कोसों दूर जाकर गिर गया। जब उसने आस पास देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि वो सब तो ठीक कर रहा था। इससे पहले बाबा जागे वो वहां से भाग गया। अगले दिन वो फिर उसी समय जंगल पहुंचा। इस बार उसके पैरों ने जैसे ही जंगल की जमीन को छुआ, अचानक उसके पैरों को आग ने पकड़ लिया। वो वहां से भागा। अनुभव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कहां गलत था। तीसरे दिन अनुभव एक बार फिर पूरब के जंगल में पहुंचा, लेकिन इस बार वहां की जमीन इतनी जोर से हिलने लगी मानो भूकंप आ गया हो। जमीन के हिलने से अनुभव के हाथों से कटोरी गिरी और उससे कुछ हल्दी उसके पैरों में लग गई। जैसे ही अनुभव के पैरों में हल्दी लगी, भूकंप शांत हो गया। अनुभव उस हल्दी की शक्ति को समझ चुका था। वो बाबा की नींद खुलने से पहले ही बाबा के कमंडल के पास पहुंचा, और मौका देखकर उसने बाबा के कमंडल में हल्दी रगड़ दी। सुबह उठकर जैसे ही बाबा ने पानी पीने के लिए अपना कमंडल उठाया, उसके हाथों पे हल्दी लग गई। इससे पहले वो इसका कोई तोड़ निकाल पाता, वो जमीन पर जोर से गिर गया। जैसे ही उसके शरीर ने जमीन को छुआ, वैसे ही हर तरफ एक अजीब सी गर्म हवा चलने लगी। अनुभव के पास अब घबराने का समय नहीं था, उसके सामने मौत लेटी हुई थी। लेकिन अगर उसे मीरा को बचाना हो तो उसे इस मौत के साथ खेलना पड़ेगा। बिना किसी डर के सर पर कफन बांधकर अनुभव ने बाबा को उठाया और एक ऐसी जगह ले गया जहां बाबा का कोई भी तंत्र काम नहीं कर सकता था। बाबा के होश में आने से पहले उसने सभी बंदी बच्चियों को बाबा के चंगुल से आजाद कराया, लेकिन उसे इनमें से मीरा कहीं नहीं दिखी। बच्चियों के आजाद होने से गांव में खुशी की लहर दौड़ने लगी। जिन बच्चियों के माँ बाप अब तक ये सोच के दुखी थे कि उनकी बच्चियां शायद अब जिंदा नहीं बची, अनुभव ने उन्हें जीने की एक नई वजह दे दी थी। जहां अनुभव एक तरफ सभी लोगों के लिए खुश था, वहीं दूसरी तरफ मीरा के ना मिलने से बहुत दुखी भी था। अब वो हर तरह से हार गया था, उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। जब सिपाही वत्सल बाबा को ढूंढते ढूंढते पूरब के जंगल के उस कोने में पहुंचे जहां बाबा बैठता था, तो उन्हें वहां एक अलग सी शांति दिखी, मानो किसी की मौत हो गई हो। इस खामोश जंगल में उन लड़कियों की चीखें सुनाई दे रही थी जिनकी बलि देकर वत्सल बाबा निशाचर बन गया था। घबराए सहमे सिपाहियों के पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वो बाबा को लेकर राजमहल नहीं पहुंचे तो राजा के रूप में मौत उनका इंतजार कर रही थी।
इधर उधर खबर लेने के बाद पता चला कि बाबा को कोई लड़का उठाकर ले गया। लोग उसे मसीहा बोल रहे थे। सिपाहियों ने लड़के का पता लगाया और वो अनुभव के घर पहुंचे। हम राजा वीर सिंह के सिपाही हैं। राजा को खबर मिली है तुमने बाबा को पकड़ा है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं ना ही किसी बाबा को जानता हूँ और ना ही मैंने कभी ये नाम सुना है, अनुभव ने सच पे पर्दा डालते हुए कहा। इससे पहले कोई बहस हो पाती, एक सिपाही जो इस पूरी घटना से थक गया था अनुभव के सामने हाथ जोड़कर बोला, देखो भाई, अगर तुम जानते हो कि बाबा कहाँ है तो हमें बता दो। अगर हम राजा के पास खाली हाथ गए तो ये हमारी आखिरी रात होगी। सिपाही की बात सुनकर अनुभव को उस पर दया आ गई और उसने सोचा कि जो काम वो अकेले नहीं कर सका वो राजा की मदद से पूरा कर पाएगा, मीरा को ढूंढने का काम। वो सिपाहियों को अपने साथ उस जगह ले गया जहां वत्सल बाबा हल्दी के नशे में सो रहा था। जैसे जैसे उनके कदम बाबा के पास पड़ रहे थे वैसे वैसे उनकी सांसें भी थम रही थी। ये मौत का जुआ सबके लिए एक भारी खेल था। बचते बचाते उन्होंने बाबा को एक बड़े से बक्से में बंद किया ताकि बाबा किसी भी हालत में कहीं जा ना पाए। राजा का आदेश मानकर अनुभव बाबा को राजमहल ले गया। बाबा के मिलते ही राजा बहुत खुश हुआ। अनुभव ने उम्मीद के साथ राजा से कहा, महाराज आपने वादा किया था कि आपको एक बार बाबा मिल जाए तो आप मेरी मदद करेंगे। हाँ, लेकिन पहले मैं अपनी मदद कर लूं, राजा ने कटाक्ष में कहा। उसने फिर सिपाहियों से कहा, जाओ रानी को इज्जत के साथ लेकर आओ, अब जाकर मेरी बद्दुआ मिटेगी। थोड़ी देर में मीरा जैसे ही राजा के सामने पहुंची उसने बाबा को देखा और कहा, वाह राजा, इससे पहले यो बाबा होश में आए इसे सूली पर चढ़ा दो। इससे पहले वो कुछ और कह पाती उसकी नजर अनुभव पर पड़ी जो मीरा को भीगी आंखों के साथ बस देख रहा था। अनुभव को देखते ही मीरा उसकी तरफ दौड़ पड़ी लेकिन तभी अचानक बाबा को होश आ गया और वो जोर से क्रोध में चिल्ला उठा।